हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सरकट ट्रेडर्स चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज मॉर्निंग अपडेट में आप लोगों को मैं अलर्ट करूंगा मार्केट क्या रह सकता है, कैसे हो सकता है, कहां पे आपको इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। दोस्तों, हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस है उसके बारे में कोई जानकारी लेना है तो आपने जो दिए गए नंबर है उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हर महीना 5th तारीख से हमारा ऑनलाइन क्लासेस शुरू होता है और वर्कशॉप जो है दिल्ली का वर्कशॉप नजदीक आ चुका है 14 और 15 मार्च। अभी तक जिन्होंने सिम बुक नहीं किए हैं, करना चाहते हैं तो आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सीधा चलते हैं हम हमारा टेक्निकल चार्ट पे। फ्रेंड्स, इस चार्ट को देखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो कल का क्लोजिंग है एक छोटा सा एक सपोर्ट लेवल पे क्लोजिंग हुआ है, तो इस सपोर्ट से एक बार बाउंस बैक आने का कोशिश मार्केट कर सकता है। अगर करे यहाँ से अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करे तो क्या लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, और साथ साथ में मैं 2-3 स्टॉक का भी नाम बताऊंगा, उस स्टॉक में आज ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए मैं सीधा चले जाते हैं, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हमारा निफ्टी का क्या है। तो दोस्त, ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का प्रेजेंटेशन, यहाँ पे हम देखेंगे क्या लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं बताना चाहूंगा 11,300 और 350 अगर इसके पास ओपनिंग होता है मार्केट, ठीक है, यानी कि 100-150 पॉइंट का ऊपर गैप अप ओपनिंग होता है तो यहाँ से अगर सस्टेंस करता है इसको ऊपर 350 के ऊपर जाके रुकने का कोशिश करता है तो यहाँ से फर्स्टली जो लेवल है हमारा बहुत छोटा लेवल है, फर्स्टली 11,400 से 420 लेवल तक यहाँ तक जा सकता है अगर इसके ऊपर सस्टेंस करे। ध्यान से बात को सुनिएगा, अगर इसके ऊपर सस्टेंस करे तब इसके ऊपर जा सकता है। अगर 11,130 को ब्रेक करने का कोशिश करता है, जब 11,130 को ब्रेक करने की कोशिश करेगा तब यहाँ से और गिरावट जो कि 11,000 की तरफ और नेक्स्ट गिरावट 10,800 की तरफ भी जा सकता है। अब देखिए, आपको इस जगह पे केयरफुल होना चाहिए, जो यहाँ पे अगर गिरावट का सिचुएशन दोबारा आता है तो यहाँ से आपको पुट साइड में रहना चाहिए, और यहाँ से मजबूती का तरफ दिखाता है तो आपको कॉल साइड में रहना चाहिए। सबसे बेस्ट आपके लिए जो रहेगा, जो मैं कल आप लोगों को कॉल दिया था, एक कॉल और एक पुट, उसके ऊपर आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये मुझे उम्मीद है। ओके, बाद में जो लेवल दिया हूं इस लेवल को भी आप ध्यान देख सकते हैं। साथ में जो बैंक निफ्टी का लेवल हमें नजर आ रहा है, बैंक निफ्टी का जो कल का क्लोजिंग है ये भी एक बहुत ठीक ठाक क्लोजिंग है। इससे कितना पॉइंट गैप अप ओपनिंग हो रहा है, अगर 300-400-500 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो आपको इस जगह पे केयरफुल होना चाहिए। देखना चाहिए जो 29,100 को ऊपर सस्टेंस कर रहा है कि नहीं, अगर 100 को ऊपर सस्टेंस करे और इसको ऊपर जाने की कोशिश करे तो 30,250 से 30,300 के करीब तक एक बार जाएगा, वहां पे भी एक रुकावट पैदा कर सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करने का कोशिश करता है, इसको ऊपर सस्टेंस होता है तो फिर 30,500 की तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है। ओके, फिर इसके बाद का कहानी बाद में हम देखेंगे कि मार्केट कितना मजबूत हो रहा है। ओके, अगर पॉजिटिवनेस ना होके एक बार पॉजिटिव ओपन होने के बाद डाउन साइड जाता है तो आपको ध्यान रखना है 29,000 लेवल को ब्रेक हो रहा है कि नहीं। अगर 29,000 लेवल को ब्रेक होता है तो आपको 28,650 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है और नेक्स्ट 28,200 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, मॉर्निंग सेशन में बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा टाइम का वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो जो लेवल मैं दिया हूं इस लेवल को या तो स्क्रीन शॉट लेके आपके पास रख लीजिए, ठीक है, अदरवाइज इस लेवल को नोट कर लीजिए। आई थिंक इस लेवल के साथ साथ ही मार्केट बिहेव करना चाहिए। अब दोस्तों बात आता है कि मैं पॉजिटिवनेस की बात क्यों कर रहा हूँ, मार्केट जब इतना गिरा है मैं पॉजिटिवनेस की बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे एग्जिट निफ्टी देखे तो बहुत ही हल्का मामूली सी बढ़त के साथ है, यह कोई खास बढ़त नहीं है, इसको देखते हुए इतना कोई मायने नहीं रखता है निफ्टी के लिए। ओके, तो मैं फिर भी पॉजिटिवनेस का बात क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो बाहर का मार्केट है, अगर आप S&P 500 देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल कल का सेशन में S&P 500 ने बनाया है। ओके, और साथ में आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो हमारे बाहर का बाकी मार्केट है ये आप देख पा रहे हैं जो किस तरह का बिहेव हो रहा है। S&P फ्यूचर में बहुत ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन S&P 500 पे यहाँ पे तेजी हुआ था। डाउन जोन और नेस्डेक्स इसमें भी अच्छा खासा तेजी है। इन तेजियों को देखते हुए कल भी मार्केट चढ़ने का कोशिश कर रहा था, लेकिन जब कोरोना वायरस का डर इंडिया में आया है तब मार्केट गिरा है। रात को मैं न्यूज चैनल ज्यादा नहीं देखता हूं, लेकिन थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा था जो प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ एक बड़ा पैकेज अमेरिका से का ऐलान होने वाला है आने वाले संडे को, तो उसके चलते हुए भी मार्केट में एक पॉजिटिवनेस आ सकता है। ओके दोस्त, तो आई थिंक इतनी जानकारी आपके लिए काफी है, जो लेवल मैं दिया हूँ उन लेवल के साथ काम करना आपके लिए बेहतर रहेगा।
मैं यहाँ पे जो स्टॉक का बात करूंगा वो मैं बताऊंगा, सन टीवी एक अच्छा क्लोजिंग, अच्छे जगह पे क्लोजिंग है। यहाँ से अगर पॉजिटिवनेस दिखाए तो सबसे पहले 420 422 लेवल तक जा सकता है। अगर 425 के ऊपर भी जाके सस्टेंस करता है तो यहाँ से ऊपर का मूवमेंट दिखा सकता है। अगर 400 लेवल को ब्रेक करता है, सन टीवी अगर 400 लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से एक अच्छा गिरावट सन टीवी में आने का उम्मीद है। अब मैं बात करूंगा डिवीज लैब और फार्मा अनबंधन बैंक। मैं डिवीज लैब का जो लेवल दूंगा वो 20,2090 इसके नीचे अगर आता है, 2090 इसके नीचे अगर आता है तो यहाँ से और गिरावट आ सकता है। अगर यहाँ से मजबूती दिखाने का कोशिश करें, देखिए यहाँ से थोड़ा सा मजबूती दिखाने की कोशिश करें तो आपको कहानी चेंज हो सकता है। अदरवाइज आपको सेल साइड का ध्यान रखना चाहिए। अगर 2090 से नीचे आए तो इसमें सेल साइड अच्छा खासा बनता है। हम आता है बंधन बैंक में। बंधन बैंक में गिरावट का माहौल कंटिन्यू बना हुआ है और यहाँ से बंधन बैंक का 390 को लेवल को अगर ब्रेक करता है, 390 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे 370 के आसपास जाते हुए चांसेस यहाँ पे लग सकता है। 380 एंड 370 के पास जाता हुआ चांसेस लग सकता है। ऑरो फार्मा में ध्यान देंगे हम। ऑरो फार्मा में एक ठीक ठाक लेवल पे एक 50 डेज के मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है और ये आपको 500 से ऊपर अगर सस्टेंस करता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिखा सकता है। अदरवाइज 490 से नीचे अगर जाता है, 490 से नीचे जाता है यहाँ से 25-30 पॉइंट का गिरावट यहाँ से ऑरो फार्मा में दिखाई दे सकता है। तो दोस्त इन स्टॉक में आप ध्यान रख सकते हैं और ट्रेड करते हैं तो मैं इन स्टॉक के ऊपर भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे कॉल देने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज का मॉर्निंग सेशन के वीडियो में इतना ही। अगर ये सारी जानकारी आपको कुछ हद तक काम आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन एक बार दबाएं ताकि मैं सुबह सुबह आपके लिए जो वीडियो लाता हूं उसका मेहनत का फल स्वरूप एक लाइक बटन आप लोग से एक्सपेक्ट करता हूं। और इन वीडियो तभी आप पाएंगे जब आप बेल आइकन दबाएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप बेल आइकन दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे। मैं कल भी वीडियो बनाने के बाद आपको बताया था कि मॉर्निंग सेशन में मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी ऑलरेडी 8:56 हो चुका है तो आप लोगों को कितना देर में मिलेगा, कितना देर में इसके लाभ उठा पाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। थैंक यू दोस्त, टाटा बाय बाय।